दो महादेव का नाम अपने जीवन पर हमेशा याद रखो, एक कुंदकेश्वर और एक अवधूतेश्वर। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव, शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से सरल व अचूक उपाय। हृदय से, चित्त से, मन से जो मांगा वो शिव जी। पार्वती मैया ने कुंदुक का प्रहार करा, जो विदल उत्पादक को मारा, तो वो कुंदुक जाकर शिव जी के चरणों में गिरा, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा है? कुंदकेश्वर। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, कोई बीमारी आ गई है, नहीं जा रही है, शिव जी पे जब जल चढ़ाओ तो थोड़ा सा तरीका चेंज कर लीजिए। बीमारी बड़ी है, कट नहीं रही, तकलीफ ज्यादा हो रही है, ये डंडी वाला जो भाग है बेलपत्री का, ये शिवलिंग पर रखो, तो इस डंडी वाले भाग को अशोक सुंदरी की ओर मुख रखो। आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान, जहां से जल बहता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी। तो जब आप बेलपत्री रखे हैं तो वो बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर, ये डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर जाता है, फिर आप जल चढ़ाए। और जल चढ़ाए तो ये कामना कर कर चढ़ाए कि बाबा मेरा ये रोग है या ये बीमारी है या ये तकलीफ है, आपको काटना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? दो महादेव का नाम अपने जीवन पर हमेशा याद रखो, एक कुंदकेश्वर और एक अवधूतेश्वर। कौन से? अवधूतेश्वर। अवधूतेश्वर महादेव, जब बच्चा या परिवार का कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जाता है, जिस दिन अपने घर में बहुत विवाद हो रहा हो, क्लेश ज्यादा हो रहा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, या विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा हो, तो एक बेलपत्री शिवलिंग पर जब समर्पित करेंगे तो उस बेलपत्री को पहले नंदी के पास, अशोक सुंदरी के पास, ऊपर जो जलाधारी लगी है उस पर, उसी एक ही बेलपत्री को फिर शिवलिंग पर समर्पित करें, और एक लोटा जल चढ़ाकर उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर घर के परिंडा मटका हंडा जो भी हो उसमें डालें, सबको पीने के लिए दे दें। 7 मिनट 8 मिनट ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे और पूरे घर का माहौल एकदम शांत हो जाएगा, क्लेश बंद हो जाएगा। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव, बीमारी के लिए, रोग के लिए या कष्ट के लिए, बहुत कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई कष्ट आ गया, एकदम मिटी नहीं रहा, तब कुंदकेश्वर महादेव। अकाल मृत्यु को मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां आलता। शिव का ऊपर विश्वास रखा, भरोसा निश्चित दृढ़ भाव में है, वो टूटने नहीं गए। दो नाम याद रख लीजिए, एक जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव, और दूसरा अवधूतेश्वर महादेव। ये दो नाम का स्मरण थोड़ा रखिएगा। मान लो अचानक आपको लग रहा है कि आज गाड़ी का एक्सीडेंट होने का योग है, या ऐसा लग रहा है कि शरीर ठीक नहीं लग रहा, छाती में दर्द हो रहा है, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, जांच भी कराने जा रहे हो, आप 50 जांच कराने जाओ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर कराना, कोई बड़ी बीमारी सामने नहीं आएगी, शिव जय जय शंकर जय। वचन दिया है भगवान शिव ने इस नाम का। जब कुंदुक फेंका गया माता पार्वती के पास से पितर उत्तर को मारने के लिए, वो कुंदुक शंकर जी के चरणों में जाकर गिर गया, शिव जी के जी शंकर भगवान के चरण में जैसे ही जाकर गिरा तो थोड़ा सा रक्त का भाव आया, देखा पार्वती जी की आंखों में जल भर गया। शिव जी कहते हैं तो क्यों चिंता करती है पार्वती, तेरा कुंदुक मेरे चरणों में आकर पड़ा है, मेरा नाम कुंदकेश्वर होगा, जो हृदय से इस कुंदकेश्वर नाम का जप करेगा या स्मरण करेगा, उसके जीवन के सारे दुख बीमारी रोग और उसके काल को मैं हर लूंगा और उसको आनंद दूंगा। कुंदकेश्वर नाम का स्मरण बड़ा आनंदित। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों।